जेएनयू हिंसा मामले पर सुरक्षा नहीं देने पर वार्डन ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो साबरमती हॉस्टल की वार्डन ने इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें कि साबरमती हॉस्टल में ही नकाबपोशों ने कल हिंसा की थी। हिंसा के चलते कई छात्र और छात्राएं यहां पर घायल हुई थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर आपको बता दें अपडेट ये मिल रहा है कि जहां पर साबरमती हॉस्टल में सुरक्षा न देने के चलते फिलहाल वार्डन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो जेएनयू हिंसा का यह मामला है, कल रात का यह मामला, जब कई लोग नकाबपोश लोग जो कि कॉलेज के भीतर दाखिल हुए और उसके बाद साबरमती हॉस्टल में जाकर, गर्ल्स हॉस्टल के भीतर जाकर उन्होंने मारपीट की है, प्रोफेसर्स के साथ मारपीट की है और संपत्ति को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। और इसी मामले को लेकर कह दें अभी जो अपडेट मिल रही है जिसमें सुरक्षा नहीं देने के चलते फिलहाल वार्डन ने अपने इस्तीफे को सौंप दिया है। साबरमती हॉस्टल के ये वार्डन है जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है।